Welcome to Amar Classes. Let's start. आज का वीडियो हमारा फंडामेंटल ऑपरेशंस जो कि एलजेब्रा चैप्टर का है पार्ट टू, और इसमें हम लोग 2A का क्वेश्चन नंबर 1-2 बना चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ठीक है, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ये जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐड द फॉलोइंग, इन लोगों को बस ऐड करना है। ठीक है, तो 9x प्लस 10x क्या हो जाएगा, इसको ऐड करना है। ठीक, तो बस यहाँ पे ये लिखना है 9a प्लस 10x बस। अब देखो सेकंड में क्या है, 2x माइनस 5y, तो 2x प्लस माइनस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस और माइनस, तो माइनस 5y। अब देखो 4x माइनस 5y है, माइनस 5y प्लस 3z हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, 4x प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 5y प्लस 3z। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2a प्लस 4b प्लस माइनस 3a। अब क्या होगा हमारा, 2a प्लस 4b माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a और a, 2a और 3a, ये दोनों इन दोनों को ऐड कर देंगे सीधा सीधा, तो क्या होगा यहाँ पे 2a माइनस 3a है, यहाँ पे हो जाएगा सीधे 4b, 4b और माइनस a। अब आते हैं उसके नीचे, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 2xy 14z। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या यहाँ पे 6xy प्लस हो जाएगा माइनस 2xy प्लस 14z। ठीक है, जब 6xy माइनस 2xy प्लस 14z, 6xy में से 2xy माइनस होगा तो बचेगा हमारा 4xy प्लस 14z, ये इसका आंसर हो जाएगा 4xy प्लस 14z। और देखो इस मेथड को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, इस मेथड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। एक और मेथड होता है उसको बोलते हैं कॉलम मेथड, वो आगे बता देंगे, पहले इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड्स पहले इन लोगों को बनाना सीखते हैं सारा क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो 6 में क्या है हमारा, 3x प्लस माइनस 5y फिर से प्लस माइनस 2x और 6 प्लस 6y। अब देखो ये कैसे बनेगा, 3x प्लस और माइनस तो माइनस, 5y प्लस माइनस तो माइनस, 2x प्लस 6y। अब देखो x x को प्लस कर दो, y y को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, देखो 3x माइनस 2x है ना, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, x, फिर 5y प्लस 6y, तो पॉजिटिव का साइन, क्योंकि बड़े वाले में पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन लगेगा, और माइनस और प्लस तो हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो बचेगा हमारा सिर्फ x प्लस वाई। अब देखो तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, x प्लस वाई। अब आता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसमें से x x को यहाँ पे लिख लो, जो भी मतलब x का है, तो 8x स्क्वायर और कोई है, इसमें y है, इसमें y रहने देते हैं, इसमें से सीधे प्लस माइनस 3x स्क्वायर है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 8x स्क्वायर प्लस और माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5x स्क्वायर। अब एक तो आ गया हमारा इसमें 5x स्क्वायर, ठीक है, अब बचा क्या इसमें, माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस, तो माइनस तो 5y स्क्वायर और साइन लग जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा इसका आंसर 5y स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 8 नंबर में, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले ए बी सी वाले को लिख देते हैं, तो ए बी सी फिर यहाँ ए बी सी, तो 9 ए बी सी और क्या है हमारा, सिर्फ ए बी सी, तो प्लस ए बी सी, इसका हो जाएगा हमारा 10 ए बी सी, एक आंसर आ गया इसका 10 ए बी सी, फिर प्लस माइनस 6 बी सी है यहाँ पे, माइनस 6 बी सी प्लस
सॉरी माइनस बी और सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो जगह सेवन बी सी, और इसमें नेगेटिव का साइन है बड़े वाले में, तो जगह माइनस सेवन बी सी, माइनस सेवन बी सी हो गया। तो देखो नाइन नंबर में क्या कह रहा है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई को एक साथ ले लेंगे, तो सेवन में से फोर माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस और ये माइनस, तो हो जाएगा हमारा माइनस, सॉरी प्लस का साइन लगेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, और माइनस प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो एट में सर जाएगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट हमारा क्या बचा माइनस फाइव एक्स वाई हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर में हमारा ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें करना है ऐड, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, थ्री ए माइनस फोर बी फोर ए प्लस टू बी, तो हम लोग को सिर्फ ये जो भी वेरिएबल का है इसको पहले एक साथ कर लेना है, तो यहाँ पे देखो थ्री ए फोर बी सॉरी थ्री ए फोर ए है, तो थ्री और फोर क्या होता है सेवन ए, यहाँ पे है माइनस का साइन, यहाँ पे है प्लस का साइन, और करना हमको ऐड है, तो यहाँ पे माइनस है यानी कि यहाँ पहले जो प्लस लगा था प्लस माइनस, तो सीधे माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस तो जाएगा माइनस, तो लग जाएगा यहाँ पे माइनस फोर में से टू जाएगा तो क्या जाएगा टू बी, समझ गया। सेकेंड में देखो क्या है, फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन एक्स प्लस वाई, तो फाइव एक्स और सेवन एक्स तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स, क्योंकि बड़े वाले हैं माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगेगा, फिर आएगा प्लस टू वाई प्लस वाई यानी कि थ्री वाई। अब देखो आते हैं इसमें थ्री ए बी, देखो ए बी का ये है और ये है ठीक है, तो थ्री ए बी माइनस फाइव ए बी यानी कि फाइव में से अगर थ्री को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी और फिर ये प्लस टू ए बी, तो यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सीधा आएगा जीरो माइनस और प्लस तो माइनस, तो जीरो आ गया यहाँ पे। अब देखो क्या बचा टू बी सी थ्री बी सी फाइव बी सी माइनस फाइव बी सी, देखो टू और थ्री हो जाएगा फाइव, फाइव बी सी माइनस फाइव बी सी यानी कि ये दोनों भी कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा जीरो यानी कि इसका आंसर टोटल हो जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ पे टू एक्स, फिर और देखो एक्स यहाँ पे, फिर एक एक्स है टू एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स ठीक है, टेन एक्स उसके बाद देखो प्लस एक्स है यानी कि इलेवन एक्स, सॉरी यहाँ पे देखो माइनस और प्लस इतना माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नाइन एक्स। अब देखो वाई वाई देन वाई, तो माइनस और प्लस तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो कितना आएगा सिर्फ वाई और प्लस वाई, तो यहाँ पे देखो वाई माइनस वाई प्लस वाई यानी कि जीरो, तो फिर सिर्फ इसका आंसर होगा नाइन एक्स। देखो लास्ट में आता है थ्री एम ट्वेल्व एम और माइनस एट एम, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि थ्री एम ट्वेल्व एम तो कितना आ जाएगा फिफ्टीन एम माइनस एट एम, तो फिफ्टीन में से अगर एट जाता तो क्या बचता है हमारा सेवन एम, सेवन एम देखो ट्वेंटी एन माइनस सेवन है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी सेवन एन और फिर ट्वेल्व एन, यहाँ पर तो साइन माइनस का रहेगा तो माइनस और प्लस तो माइनस, तो ट्वेंटी सेवन में से अगर ट्वेल्व जाता है तो क्या बचेगा हमारा सेवन में से टू गया तो फाइव, टू में से वन गया तो वन, सेवन एम माइनस फिफ्टीन एन हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है हमारा, इसमें करना है सिंप्लीफाई ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई में क्या लिखा वहाँ पे, फाइव एक्स प्लस इलेवन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री एक्स, जैसे कि फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स क्या आएगा सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स, और देखो यहाँ पे फिर इलेवन एक्स प्लस इलेवन एक्स माइनस थ्री एक्स, तो ये देखो माइनस और माइनस दोनों कर लो पहले प्लस, तो टेन एक्स प्लस इलेवन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस इलेवन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ एक्स, क्योंकि माइनस टेन प्लस इलेवन तो बचा सिर्फ वन एक्स, या फिर एक्स लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्या है नाइन ए बी प्लस थ्री ए बी, तो नाइन और थ्री कितना होता है ट्वेल्व ए बी, ट्वेल्व में से माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा हमारा टेन ए बी, तो अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा टेन ए बी और प्लस इलेवन ए बी, मतलब कि ट्वेंटी वन ए बी माइनस फाइव ए बी, तो ट्वेंटी वन में से फाइव को माइनस करेंगे तो क्या हमारा सिक्सटीन ए बी। देखो थ्री में एट ए प्लस थ्री बी सेवन ए प्लस टू बी, अब देखो यहाँ पे ए बी सब अलग हो गया, तो एट ए सेवन ए इलेवन है, एट में सेवन को माइनस करेंगे तो बचेगा वन ठीक है, और वन और फिर इलेवन में वन प्लस करेंगे तो क्या हमारा ट्वेल्व ए, अब देखो बी यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, थ्री और टू फाइव बी माइनस बी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर बी, यहाँ पे साइन लग जाएगा प्लस का, बड़े वाले प्लस का साइन था। अब आते हैं फोर नंबर पे टू एक्स
ट्वेल्व एक्स एंड नाइन एक्स। तो देखो 2x एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स क्या जाएगा हमारा 14x, और 14x माइनस 9x तो जाएगा हमारा 5x, ठीक है 5x माइनस 3y माइनस 6y 8y, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9y हो जाएगा यहाँ पे 6 और 3 9y प्लस 8y है यहाँ पे, तो 9 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा माइनस ओनली वाई। अब आते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे 3l और 6l एंड 2l। देखो 3l यहाँ देखो थोड़ा समझना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3l माइनस 6l और यहाँ पे है माइनस 12, यानी कि ये प्लस और माइनस, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3l माइनस 2l, तो यानी कि सिर्फ l आ जाएगा माइनस l। अब देखो सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5l, उसके बाद क्या है हमारा m माइनस 16m फिर प्लस 8m और माइनस 3m, तो माइनस और प्लस तो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा यहाँ पे 8m माइनस का साइन और माइनस 3m, तो माइनस माइनस प्लस तो 8 और 3 11m साइन आ जाएगा माइनस का, तो इसका आंसर में क्या होगा माइनस 5l माइनस 11m। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 7p 8p और 15p। देखो 7p और 8p कितना हो जाएगा 15p 15p और यहाँ पे माइनस 15p यानी कितना हो जाएगा 0 q q और k q, तो माइनस 8q और प्लस 12q, यहाँ समझना देखो माइनस 8q प्लस 12q और फिर यहाँ पे माइनस 4q, तो देखो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 12 में से अगर 8 माइनस करें तो क्या बचेगा 4q, जबकि पॉजिटिव का साइन बड़े वाले नंबर में तो पॉजिटिव का रहेगा माइनस 4q, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 0, तो उसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, तो मतलब ओवरऑल इसका आंसर होगा 0।